दोस्तों शायद ऐसा कोई होगा जो शेयर मार्केट में काम करता हो और टाटा ग्रुप को ना जानता हो, टाटा के शेयर को ना जानता हो। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी टाटा के सभी शेयर के बारे में नहीं जानते हैं, टाटा की कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं मार्केट में। वैसे तो दोस्तों टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। वो सारी कंपनियां के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, किसमें ट्रेड किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर को आप खरीद सकते हैं। सभी कंपनियों के बारे में हम लोग जानेंगे टाटा ग्रुप का, ठीक है। तो टाटा ग्रुप का अभी काफी ज्यादा बोलबाला चल रहा है। अभी आप देख ही रहे हैं कि टाटा मोटर 400 रुपये से लगभग 1100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है और टाटा पावर भी अच्छी खासी रैली दे रहा है। टाटा केमिकल को तो आप देख ही रहे हैं कि 5 दिन में कितना अच्छा मूवमेंट दे दिया है। ऐसे और भी शेयर हैं जो काफी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। कितनी कंपनी टाटा ग्रुप की है सबको देखेंगे और दोस्तों एक शेयर ऐसा भी है कि जो बहुत ज्यादा सस्ता है, ठीक है, उसको भी देखेंगे दोस्तों। दोस्तों टाटा का एक शेयर और भी है, शायद उस पर आपकी नजर नहीं पड़ रही होगी। एक साल में लगभग 500% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको उसको दिखाता हूँ और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। टाटा के वो शेयर मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा जो अभी अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, और जो अच्छा मूवमेंट दे चुके हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको मैं सभी शेयर का लिस्ट दिखाऊंगा कि कितना शेयर मार्केट में लिस्टेड है टाटा ग्रुप का। दोस्तों टाटा के इतने सारे शेयर हैं, लेकिन टाटा का एक और शेयर आ रहा है, ठीक है, उसका भी IPO आ रहा है जिसका नाम है टाटा सन्स, ठीक है। जल्द वो भी आ जाएगा, लगभग साल डेढ़ साल में वो भी आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। और दोस्तों टाटा का एक सस्ता शेयर है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, खरीदने लायक है कि नहीं खरीदने लायक है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप टाटा ग्रुप के शेयर को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। टाटा ग्रुप के सभी शेयर को मैं आपको दिखाऊंगा कितना शेयर हैं, और सभी शेयर को मैं एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे tata.com यहाँ पे साइट ओपन किया है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ शेयर देखने को मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। टाटा के यहाँ पे आपको 18 शेयर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो शेयर ऐसे हैं जो यहाँ पे लगता है डीलिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे टाटा मेटालिक लिमिटेड है, उसके बाद में आप दूसरा देख सकते हैं 12 नंबर पे है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कोई डाटा इसका शो नहीं कर रहा, बाकी शेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ शेयर ऐसे हैं जो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उसको भी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे अभी दिखाता हूँ, चार्ट में भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देख लीजिए कि कितना यहाँ पे शेयर आपको देखने को मिल जाता है, लगभग यहाँ पे 18 शेयर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। बाकी और भी शेयर हैं टाटा के, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या कौन कौन सा शेयर देखने को मिल जाता है, उसमें हम लोग चार्ट को देखते हैं, चार्ट में क्या बता रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आप उसको खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, इसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाटा मोटर का यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया है, और बाकी मैं शेयर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कितना शेयर यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर है, टाटा पावर है, टाटा टेक्नोलॉजी है, TCS है, टाटा कंज्यूमर है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन है, और यहाँ पे टाटा इलेक्सी है, ठीक है, और टाटा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, और यहाँ पे टाटा टेलीविजन, टाटा कॉफी, टाइटन है, दोस्तों देख सकते हैं इंडियन होटल है, वोल्टास है, और यहाँ पे ट्रेंट है, फिर यहाँ पे नेल्को है, ठीक है। इतना शेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें आप शेयर को खरीद सकते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप इसको इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं एक एक करके चार्ट ओपन करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों पहले मैं यहाँ पे टाटा मोटर का चार्ट ओपन किया हूँ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे बाई करने लायक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या इसका ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये टूल मैंने लगाया था, मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई किया था, और यहाँ पे दोस्तों मैंने बाई किया था और 1:3 का मैंने टारगेट रखा था, और यहाँ पे मेरा अचीव हुआ, मैंने यहाँ पे निकल गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं रैली क्या हुई, ठीक है, रैली मार्केट दे रहा है, टाटा मोटर अच्छा खासा इसके बाद भी रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट ये अब ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है, टाटा मोटर। तो टाटा मोटर में दोस्तों रैली चल रहा है, कितना दिन तक रैली चलेगा ये कोई कुछ बता नहीं सकता है। लेकिन मोटर को दोस्तों आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन तक मार्केट अगर आता है रिटर्न करके तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं,
और यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड में निकल सकता है, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके नीचे की साइड में आपका छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा और मार्केट में आपका यहाँ पे 1:3 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और भी आप यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा टारगेट मिल सकता है। लगभग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 1,039 रुपया चल रहा है, काफी अच्छा रिटर्न भी दे चुका है और भी अच्छा यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड अभी यहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे करके मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। मार्केट में का जो ट्रेंड है अब है, और ये दोस्तों आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज यहाँ पे मैंने जो लगा रखा है, इसके नीचे मार्केट आया नहीं है, ठीक है। बार बार यहाँ पे टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे टच किया, फिर से ऊपर गया और ऊपर ही बना है। जब तक इसके ऊपर बना रहेगा दोस्तों, करके समझिए कि ये बुलिश ट्रेंड में है और ये और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा रखा है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा स्टॉक। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दूसरा स्टॉक निकाला है टाटा पावर का, और मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाता हूँ, आप यहाँ पे काफी अच्छा क्लियर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट दिया है टाटा पावर, ठीक है। एक कैंडल ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जब भी आएगा, ठीक है, तो इसके नीचे अगर निकलता है तो आप निकल सकते हैं, बाकी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ पर बाई कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आपको नहीं रुकना है, निकल जाना है, ठीक है। इसके ऊपर जब भी मार्केट जितना जाता है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, काफी अच्छा मूवमेंट और भी ये दे सकता है। टाटा ये अब ट्रेंड में चल रहा है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया काफी अच्छा, यहाँ पे कैंडल भी बनाया है तो ब्रेकआउट भी दिया, ठीक है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं टाटा पावर। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे यहाँ पे लगा के रखना है, ठीक है। इस जोन में मैंने यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना आप इसको राइड करना चाहें कर सकते हैं, मार्केट और भी ऊपर जा सकता है और अच्छा खासा आपको टारगेट भी दे सकता है। चलिए अब चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टाटा केमिकल का यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। टाटा केमिकल को दोस्तों यहाँ पे काफी जबरदस्त मूवमेंट दिया है, ठीक है, सिर्फ 1 वीक में आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट भी हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन बना रखा है पहले से ऑलरेडी, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये भी काफी यहाँ पे टाइम बिताने के बाद यहाँ से निकला हुआ ब्रेकआउट किया है, और मार्केट एक बार थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से निकलता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा रहेगा और यहाँ पे इसको खरीद सकते हैं और यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफी यहाँ पे बड़ा मूवमेंट और भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट आ चुका है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अगर पॉज लेता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पॉज लेता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सपोर्ट जोन है यहाँ पे इस जोन पे, और इसको आप देख सकते हैं काफी अच्छा मूवमेंट और भी दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा मैं स्टॉक आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है दूसरा स्टॉक टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये डब्लू पैटर्न बना के ऊपर की साइड में ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। और ये भी दोस्तों उड़ने वाला है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से जरूर निकलेगा तो आप काफी अच्छा मूवमेंट देगा, ठीक है। अपना यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके आप बाई कर सकते हैं। अगर आप इसको बाई करते हैं तो इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कप बना हुआ है और यहाँ पे जैसे हैंडल बनता है, और यहाँ पे दोस्तों जो मूवमेंट आपको देखने को मिली है यहाँ तक का ये टारगेट देख सकता है, ठीक है। यहाँ तक का मूवमेंट जो आप देख सकते हैं यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है इसके ऊपर साइड में, ठीक है। तो आप इसको नजर बना के रखिएगा और इसको बाय कीजिएगा तो टारगेट यहाँ तक का रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ दूसरा स्टॉक, क्योंकि दोस्तों का ज्यादा वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी स्टॉक आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है, ये भी दोस्तों काफी अप ट्रेंड में है और यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं टारगेट भी लगभग ये दे दिया है, लेकिन फिर से यहां से मार्केट ऊपर की साइड में निकला हुआ है और अभी ऊपर की साइड में निकल सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप यहां पे लगा के और ऊपर की साइड में इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा चार्ट इसका भी दिख रहा है, और मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। टाटा कंज्यूमर का था, उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन का है, और टाटा कम्युनिकेशन का दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद इसमें भी काफी अच्छा मूवमेंट भी हो सकता है। टाटा का दोस्तों शेयर है काफी यहाँ पे अच्छा अच्छा मूवमेंट दे रहा है आजकल, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डब्लू पैटर्न बना के ऊपर की साइड में निकला हुआ है, ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से आप इसको बाय कीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट करना हो दोस्तों तो आप इसको इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट आ गया है, अब इसको दोस्तों आप देख सकते हैं जिसको मैंने बता रहा था एक साल में लगभग 5 गुना पैसा यहाँ पे कर दिया है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2023 मार्च में देख सकते हैं लगभग 1800 रुपया चल रहा था, और इसका प्राइस पहले आप देखिए अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है,
9,000 रुपया लगभग यहाँ पे 9,800-900 नियर अबाउट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 9,756 रुपया अभी इसका प्राइस चल रहा है। लगभग ये पैसा एक साल में दोस्तों यहाँ पे 5 गुना पैसा कर दिया है, जैसा कि दोस्तों आप चार्ट आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो शेयर है इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने टाटा के हर एक शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो दोस्तों ये टाटा का जो शेयर है काफी अच्छा शेयर है, ये सभी में आपका इन्वेस्टमेंट करा देगा, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफी तगड़ा यहाँ पे मूवमेंट दे दिया है और इसकी जो रैली है अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। ठीक है, और ये कितना जाएगा दोस्तों इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो थोड़ा डिप मिले तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना चार्ट यहाँ पे चेंज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है टाटा इलेक्सी। ठीक है, टाटा इलेक्सी में दोस्तों कुछ खास नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भी दोस्तों यहाँ पे फंसा हुआ है, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे मूवमेंट देगा। ठीक है, चलिए मैं चार्ट इसमें चेंज करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और दोस्तों यहाँ पे अभी देख सकते हैं कौन सा चार्ट ओपन आ गया है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का है। टाटा टेक्नोलॉजी दोस्तों आप देख सकते हैं ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे लगभग 1400 का हाई मारा है, नीचे आया है और यहाँ से दोस्तों ये जब ये निकलता है तो किस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं इसको मैं आपको बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से मार्केट निकला, ठीक है, नीचे की साइड में आ गया है और यहाँ पे दोस्तों होल्ड कर रहा है। ठीक है, होल्ड करने के बाद अगर ये निकलता है, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे की साइड में आके इसको ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और टारगेट आप यहाँ पे बड़ा रख सकते हैं क्योंकि ये अपना हाई तक जरूर पहुंचेगा और यहाँ पे आप बुक भी कर सकते हैं, नहीं तो रिटेस्टमेंट के बाद और भी यहाँ पे टारगेट बड़े आपको देखने को मिल सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी में। ठीक है, मैं यहाँ पे दोस्तों चार्ट हटा के दूसरा यहाँ पे लगाता हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ चार्ट को। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा स्टील का यहाँ पे चार्ट ओपन आ गया है। ठीक है, और ये दोस्तों अपना हाई ब्रेक कर दिया है। ठीक है, हाई ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेकआउट करके निकलता है तो आपको यहाँ पे बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में। ये दोस्तों सस्ता शेयर है, इसमें आप खरीद सकते हैं, थोड़ा सा इसमें रिस्क रहेगा, ज्यादा इसमें रिस्क भी नहीं है और पैसा बनेगा दोस्तों, काफी अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि सस्ता शेयर है। ज्यादा शेयर आप खरीद सकते हैं और इसका जो ट्रेंड है अब ट्रेंड ये निकल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रखा है और दोस्तों मैंने यहाँ पे बाई किया था। ठीक है, यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा है और दोस्तों इसको मैंने होल्ड किया है और भी इसको मैं होल्ड करूंगा। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं अपने रिस्क पे। ये आप मार्केट ऊपर की साइड में निकल चुका है टाटा स्टील। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे चार्ट फिर से दूसरा लगाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा यहाँ पे टेली सर्विस का यहाँ पे चार्ट ओपन कर दिया मैंने। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये हैमर कैंडल बनाया है। ठीक है, नीचे की साइड में आ रहा है हैमर कैंडल बनाने के बाद और यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको बाय किया है और इसको मैंने बाय किया है दोस्तों, मैं कहाँ पे निकलूंगा। ठीक है, मेरा दोस्तों एनालिसिस है, जहाँ पे मुझे लगेगा मुझे निकलना वहाँ पे मैं निकलूंगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड के भी ले सकते हैं। काफी सस्ता शेयर है, 89 रुपये भी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे की साइड में आया था फिर ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको खरीद सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दूसरा चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूसरा चार्ट यहाँ पे ओपन होने वाला है और टाटा कॉफी का यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। ये भी दोस्तों निकला हुआ है अपने रेंज से, काफी टाइम यहाँ पे ये घूम रहा था, यहाँ पे दोस्तों कंसोलिडेशन करने के बाद अभी निकला है, तो निकला है दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों, काफी यहाँ पे सस्ता शेयर है, बहुत महंगा नहीं है, 344 रुपये इसका चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगाया है और मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टाइटन का यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज से मार्केट यहाँ नीचे की साइड में आता है फिर ऊपर की साइड में निकल जाता है। मूविंग एवरेज को यहाँ टच करके ऊपर की साइड में जा रहा है, फिर से ये टच किया फिर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये काफी महंगा यहाँ पे शेयर है, 3786 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे भी ऊपर की साइड में निकल सकता है जब तक कि मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता है, तो यहाँ पे जब तक ले यहाँ पे ट्रेंड इसका डाउन नहीं रहेगा, अब ट्रेंड इसका चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको खरीद सकते हैं अपने रिस्क पे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं दूसरा कंपनी ओपन करता हूँ यहाँ टाइटन के बाद दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन होटल यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों लगभग यहाँ से 60 रुपये से और ये 570 रुपये 80 रुपये पहुंच चुका है। ठीक है, काफी अच्छा मूवमेंट दे दिया है और दोस्तों ये ऊपर की साइड में ही जा रहा है। ठीक है, आप इसमें खरीदेंगे तो अपने रिस्क पे खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर इसको लगा के रखिएगा क्योंकि मार्केट गिरेगा काफी ज्यादा गिर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बोल्टास का मैंने ओपन कर लिया है। बोल्टास में दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद और ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर की साइड में निकल रहा है। ठीक है,
तो इसमें दोस्तों कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड का यहाँ पे चार्ट ओपन मैंने किया है, ठीक है, ये भी दोस्तों काफी अच्छा निकला है। टाटा का जितना शेयर है दोस्तों काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है आजकल, और सब यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे रहे हैं और निकल रहा है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये भी काफी तगड़ा यहाँ पे कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे पॉज लिया है। अब पॉज लेने के बाद दोस्तों यहाँ से ऊपर निकलेगा तो और भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों मैं चार्ट दूसरा लगाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों लास्ट चार्ट यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों एक रेंज में फंसा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे ही ऊपर की साइड में निकलता है तो बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कितना टारगेट देखने को मिल सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग ये मान लीजिए कि ये आपको 300% का रिटर्न दे सकता है, ठीक है। यहाँ से 200 से निकला है तो लगभग यहाँ से 1000 गया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों काफी टाइम बिता है, यानी कि 2021 से और 2024 तक यहाँ पे टाइम बिता रहा है। अब जब निकलेगा तो अच्छा टारगेट देगा दोस्तों, ठीक है। तो इस पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेम दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।